भेजा नहीं है स्कूल में आपने अपने बच्चों को? जब भेजोगे जब तो पता चलेगा कि स्कूल का क्या कंडीशन और क्या बहुत बढ़िया बना है। 5 साल पहले तुमने देखा नहीं था क्या है? सुन तो कौन से वाला टेंट वाले स्कूल में आज एसी लगा हुआ, जाके देखना भाई। वरना ये दिल से मेरी तमन्ना केजरीवाल। कैसा लग रहा है 5 साल में कुछ तरक्की वरक्की की है कि दिल्ली ने? मेरे दोस्त मैं यही बताने तो आया हूँ गाड़ी खड़ी करके। बताओ। देखो तरक्की की तो ऐसी है पर जितनी स्पीड से विकास होना चाहिए था वो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यार मेरे को मोदी जी ने जो है ना 4.5-4.5 साल कुछ नहीं करने दिया। अरे भाई जब तेरे को 4.5 साल कुछ नहीं करने दिया तो अब किस लिए आ रहा तू? अब भी तो उसी की सरकार है, अब क्यों आ रहा तू? अब भी सरकार उसके भाई मत आया, हाथ जोड़ के बिनती यार तेरे से, क्योंकि तेरे को अब भी कुछ नहीं करने देंगे वो। बात तो यही आती है। हाँ अगर तू कहता है कि पिछले दिन 5 साल बड़े बढ़िया गए तो बढ़िया गए, तो फिर वो तू क्यों कहता है कि 4.5 साल 5 काम नहीं करने दिया? भाई मैं आम नागरिक हूँ, मैं कोई कंपनी का बंदा नहीं हूँ। हाँ पहले बता दूँ है ना भाई, मैं देखता हूँ रोड पे जो चलता हूँ दिखता है। तुम करोल बाग में चले आओ, कैसी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, हैं? देवनगर में चले आओ, अरे सारी ख़त्म करो तुम यार, बाड़ा में चले आओ, गलियों का क्या हाल है आगे देखो तो सही, रिकॉर्ड तो करो दोस्त। जहाँ पाया वहाँ ढेर लगा हुआ है, हर चीज का कूड़ा। केजरीवाल तो कहते मैंने लंदन पेरिस बना दिया। हाँ तो दिखाया था टीवी पे, इतना बड़ा कूड़े का ढेर और पेरिस, केजरीवाल जी ने केजरीवाल पेरिस बना दिए थे। पर दोस्त इन बातों में कुछ नहीं रखा। केजरीवाल जी अगर कुछ करना चाहते हो तो खुल के आओ, नहीं करना चाहते तो अपने घर पे बैठ गए। जो 20-20 करोड़ रुपए लिए ना अपने विधायकों से उन्हें खाओ। अच्छा एक बड़ा तबका ऐसा है, मतलब खासकर जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, 10-12 बस्तियों में मैं गया हूँ, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं बिजली पानी जो हुई है इस समय बहुत सहूलियत हो गई। यार दोस्त मेरे मेरी मैं कल काम पे नहीं आया, बारिश हो रही थी। तो घरवाली बोली क्या हुआ अभी तक नहीं उठे तुम? अब यार तेरे को दे तो रखा कमा के यार, कितना कमाऊँ यार, आज तो बारिश हो रही है, आज तो छुट्टी कर लेंगे। कह रहे छुट्टी का कोई चक्कर नहीं होता, काम पे जाना होता है। जब उस औरत को पता है मेरी यार काम पे जाना होता है तो फ्री का क्या मतलब होता है भाई? जिस देश को नष्ट करना, अंग्रेज क्या करते थे भाई पता है तुम्हें? नहीं पता होगा, पर पता है पर पता नहीं है। अंग्रेज क्या करते थे? खाओ रोटी खाओ, और कपड़ा भी ढंग से नहीं देते थे वो लोग, कपड़ा भी ढंग का नहीं देते थे, खाओ और सो जाओ, और जहाँ काम करोगे वहीं खाओ और वहीं सो जाओ। तो यार ये तो वही आदत पड़ जाएगी ना हम लोगों की, जानवर जैसी, कि कुत्ते को दे दिया किसी ने तो खा लिया, फ्री का मिलता है वो कमाने जाता है, पंछी कमाने जाता है, चिड़िया कमाने जाती है, कबूतर कमाने जाता है, वो अपने नसीब का खा रहे हैं ना। यार तू अपनी उंगली क्यों दे रहा है? फ्री का झंझट मत दे हमें, और हम काम धंधे वाले इंसान हैं, हम कहिए भाई काम नहीं करता क्या है? 2 यूनिट तूने फ्री कर दी, बहुत बढ़िया काम करा, 50 कर दे हमें, 200 से भी मतलब तू 500 कर दे फ्री, पर कम से कम इंसान से ये तो बोल भाई तुम काम पे भी तो जाओ। मैंने फ्री तुम्हारे कोई करिए कि काम पे ना जाओ तुम? जिस पैसे को मैं तुम्हें बचाने के लिए दे रहा हूँ उसे ही बचाओ। और फिर कमर्शियल एरिया वाले क्या कह रहे हैं? भाई मेरी गाड़ी कमर्शियल है, वो क्या कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास तो डबल बिल आ रहा है। वो तो डबल बता रहे हैं अपना, तो बताओ मैं क्या बोलूँ? जहाँ से फैक्ट्रियों से माल लेता हूँ वो कहते हैं यार बता भाई पानी का बिल 1200 रुपये आ रहा है, बिरजू भाई क्या करें यार हम? बताओ क्या करना चाहिए, आपसे पूछता हूँ एक सेकंड ऐसे करके, क्या करना चाहिए? नहीं आप ही बताओ, आप आम जनता है तो आप मुझसे बेहतर आप बता सकते। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, जब इधर का निकाल के उधर पकड़ा दिया आपने तो फ्री की यार फ्री की टॉफी तो यार ख़त्म करो यार। और वैसे भी बताऊँ 8 तारीख को सबको पता लग जाएगा कुछ फ्री नहीं है यार दोस्त, कुछ फ्री है भाई 8 तारीख को? केजरीवाल जी आपसे पूछ रहा हूँ 8 तारीख के बाद कुछ फ्री रहेगा? नहीं रहेगा ना, है वो तो गारंटी कार्ड लेके आए। नहीं वो तो गारंटी कार्ड तो कांग्रेस ने बहुत सारे लाई थी, और केजरीवाल ने कम गारंटी कार्ड दिए थे इलेक्शन में आने से पहले। 500 कॉलेज कहाँ गए भाई? भाई साहब मेरी गाड़ी में बोतल रखी पानी की, एक सेकंड चाचा मेरी गाड़ी में, एक सेकंड मेरी बोतल है गाड़ी के अंदर, एक सेकंड चाचा मेरी गाड़ी में पानी की बोतल रखी है जो मैं पी रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहे। हाँ जी क्यों? 5 साल से आपको मेरी गाड़ी में, एक सेकंड मेरी गाड़ी में पानी की बोतल मैं ला के दे रहा हूँ, कोई पीएगा तो बताओ। नहीं पानी में तुम कुछ भी डाल दो। अरे मैं पीऊंगा, मेरे कोई मना है तो ठीक है भाई। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सेकंड, गुस्सा है केजरीवाल से? गुस्सा है तो केजरीवाल से गुस्सा है तो विकल्प किसको देख रहे हैं? नहीं है विकल्प कौन है? नहीं है विकल्प कौन है?
विकल्प विकल्प कौन है विकल्प? 8000 रुपए मिलता है ना वो फ्री में बस जाता है ना, उसके लिए ना 1000 रुपए मायने लगता। अरे भाई कितनी साल के लिए क्या, जो 1000 रुपए देता है ना 1000 रुपए सुन ले। अरे भाई तुम्हारा पेट भरा हुआ तो तुम्हें फ्री का नहीं चाहिए, लेकिन जो गरीब जनता है सुन ले भाई, जो 8000 रुपए कमाता है ना, अरे सुन लो लिख के किस इंसान के लिए, तुमको कौन लिख के दे रहा है, लिख के दे दिया ना, अरे तुमको नीचे तो तुम्हें दे कौन रहा है, तुम लो मत ना, तुम पैसे दो ना, तुम पैसे दो ना भाई। नहीं इनकी बात भी वाजिब है, अगर आपको नहीं चाहिए तो पैसे दे दो, अरे पैसे दो ना, तुम पैसे यार हमारा तो 200 यूनिट से ऊपर आता है, हमेशा आता है 200, कभी 2 यूनिट आता है, कभी 5 यूनिट आता है, कभी 10 यूनिट आता है, 200 से कम आते ही नहीं आती है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर 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 लग रहा है काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है तो फिर किसको लाना चाहिए, किसको लाना चाहिए, कौन बढ़िया करे? तो आम पब्लिक जानती है, मैं केजरीवाल, एक सेकंड भाई, 3 महीने के बाद क्या करेगी पब्लिक? 3 महीने के बाद फिर करेगी जो हो जाएगा वो, तो क्या करेगी भैया, क्या करेगी फिर वो, तो सरकार बताएगी भैया क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अभी अब की बार तो ये सरकार बिल मांगे, भेजा नहीं है स्कूल में आपने अपने बच्चों को, जब भेजोगे जब तो पता चलेगा कि स्कूल का क्या कंडीशन, और क्या बहुत बढ़िया बना है, 5 साल पहले तुमने देखा नहीं था क्या है, अरे कौन सा नहीं हुआ। हाँ जाते मेरे बच्चे सुल्तान, कौन से वाले, टेंट वाले स्कूल में, आज एसी लगा हुआ जाके देखना भाई, सुल्तानपुरी में टेंट वाले में आज एसी लगा हुआ उसमें, और इतना बढ़िया है, हाँ एसी लगा हुआ एसी, अरे भाई जाके देखना उसमें, जब तो पता चलेगा। हमारे यहाँ भी निठारी स्कूल है, वहाँ भी एसी सब में लगा हुआ भाई, वहाँ भी स्कूल की बहुत अच्छी सुविधा, हम लोग के तरफ निठारी की तरफ भी, नागलोई भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम धंधा है, ये थोड़ी ना केजरीवाल तो बहुत अच्छा काम कर रहा भाई, बड़ा आदमी कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं काम किया नहीं किया, भाई बहुत अच्छा काम किया दिल्ली के लिए। जो आज चूतिया होगा कोई भी आएगा, मैं सीधी और साफ कह रहा हूँ, दिल्ली वाले बेवकूफ होंगे जो इसको हटा के दूसरे को ले आएंगे। अच्छा 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 भैया, आप बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए आपसे पूछना जरूरी है, शाहीन बाग से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका कोई असर यहाँ दिल्ली चुनाव पे होगा? अरे इसका कुछ नहीं, ये तो दिल्ली का लफड़ा है, अभी ये खत्म हो जाएगा, बीजेपी वाले 2 मिनट में भूल जाएंगे, 2 मिनट में भूल जाएंगे, देख लेना 8 तारीख के बाद ये भूल जाएंगे, ना मीडिया में आएगा ना कहीं आएगा, मीडिया वाले भी भूल जाएंगे, पैसे खा के ये भी भूल जाएंगे और वो भी भूल जाएंगे, मीडिया वाले के ये काम है, 8 तारीख के बाद सब भूल जाएंगे, सब चले जाएंगे अपने अपने टोकरी और थैला लेके। लंदन पेरिस कितनी बनी आपकी दिल? सर इसका मुझे एक आइडिया नहीं है, पर मैं ये दिल से मेरी तमन्ना केजरीवाल आ जाए। अच्छा आपके लिए क्या बेहतर हुआ? हर चीज़ बेहतर है, देखो हम लोग मिडिल क्लास के बंदे, हमें पानी लाइट हर चीज़ की फैसिलिटी है, दवाई की, और हमें क्या चाहिए, हमने देखो जी ये वो बुलेट ट्रेन बना रहे हैं जी, हम बुलेट ट्रेन पर तो यात्रा करेंगे ही नहीं, वो हमारे लिए नहीं बनाई जा रही है, वो हाई फाई लोगों के लिए बनाई जा रही है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, बस बीजेपी का क्या होगा फिर सब, वो मैं नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकते।